और शांति, शांति। वेस्ट कोस्ट से, अमेरिका से, भारत से, सभी आत्माएं आज विशेष स्मृति दिवस और समर्थी दिवस पर आपका बहुत 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 स्वागत करते हैं। और हम सैन फ्रांसिस्को जोन, मतलब वेस्ट कोस्ट से, लॉस एंजलिस से, सेक्रामेंटो से, सभी जगह से, हम सभी बाबा के बच्चे सुनीता दीदी को वेलकम करते हैं। हार्टलीस्ट वेलकम, 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 वेलकम। शुक्रिया। और संक्षिप्त में अगर मैं सुनीता दीदी का परिचय दूं, तो हमारा सौभाग्य रहा है कि जिंदगी के कुछ दिन हम साथ में रहे हैं, क्योंकि सुनीता दीदी और हमने चंडीगढ़, नैनीताल से चंडीगढ़ की पद यात्रा में हम साथ में थे, और कब, तकरीबन मे बी 15 साल, 15 साल पहले की बात है ना। जी और वो भी बहुत सुंदर संगम युग के पल थे, और वो सारी यादें ताजा हो जाती हैं। और आप विशेष अभी पानीपत के, पानीपत सेंटर में, हुडा सेंटर के जो है, आप सिस्टर इंचार्ज हैं। आप बचपन से ही, अपने बाल्यकाल से ही बाबा के ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, और आपने 1993 से अपना संपूर्ण जीवन जो है वो बाबा के कार्य में समर्पित किया है। आप एमए बीएड है, और आपको कई प्रकार के आपको अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जिसमें से शी इज अवार्डेड बाय IOCL रिफाइनरी पानीपत ऑन इंडिपेंडेंस डे इन 2000 फॉर कंडक्टिंग मैनेजमेंट कोर्सेस इफेक्टिवली। शी हैज बीन अवार्डेड बाय यूथ विंग, एजुकेशन विंग, साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज फॉर हाई लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द स्पिरिचुअलिटी सर्विसेस। शी वॉज ऑल्सो ऑनर्ड बाय डीसी पानीपत ऑन राष्ट्रीय महिला दिवस ऑन द 8th of March 2008 बाय गिविंग एन एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट फॉर द वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस। वैसे तो आपका चेहरा ही आपकी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही, आपकी मधुरता ही, आपकी योगिक स्थिति ही, आपकी लीडरशिप क्वालिटी ही, आपकी ज्ञान वीणा बजाने की, रोज रोज बजाकर इतनी आत्माओं का दिल बाबा के प्यार से भरने की विशेषता, दैट इज आइसिंग ऑन द केक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओम शांति। थैंक यू वैशाली बहन। आज आप सबको मिलकर, आप सबको देखकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम सभी तपस्या के लिए अपने मन को विशेष तैयार कर रहे हैं। हम सब बहुत बहुत भाग्यवान हैं कि हम सबको बाबा ने चुना और हम सब भगवान की नजरों में हैं। कितना बड़ा हमारा भाग्य है कि भगवान ने दृष्टि देकर हमें कोचों में कोई कोई में भी कोई बना दिया। अपने इस भाग्य को जितना हम स्मृति में रखते हैं उतना भाग्य हमारा और चमकता जाता है। और आज का दिन विशेष तपस्या करके हम इस दिन को यादगार बना लेंगे। 18 जनवरी की एक बहुत सुंदर विशेषता कि आज के दिन बाबा बाप रूप में है। हम जो भी अपने पाप बख्शवाना चाहें, अपनी कमजोरियां सुनाना चाहें, कोई गिफ्ट लेना चाहें, आज के दिन को वरदान है। आज हम सब अच्छी स्थिति में रहकर बाबा के समीप बैठकर बाबा को अपना सच्चा सच्चा चार्ट सुनाएं। हम जो हैं, जैसे हैं, बाबा को बिल्कुल सच बताएं। आप देखना, ये जो सच बताने की विधि है इससे आत्मा बहुत उज्जवल बन जाती है, बहुत उज्जवल। अगर हम बाबा के सामने बैठकर बाबा को अपना पूरा चार्ट देते हैं कि बाबा मुझ आत्मा में ये कमी है और मुझे आपकी मदद से इन पर विजयी बनना ही है, तो मेरा ये निजी अनुभव है कि बाबा हमारी बात सुनता है, समझता है, हमें शक्ति देता है और वो हमें इतनी पावर देता है कि हम अपनी उस कमी को ठीक कर पाते हैं।
आप सबको लगता है बाबा हमारी बात सुनता है? ये जो ड्रामा में विधि विधान बना हुआ है सच बताने का, ये बहुत ही स्पेशल है। और आज के योग में हम बाबा को बड़े दिल से ये वाली बात बता देंगे कि बाबा मुझे अपनी इस कमी को आपकी मदद से ठीक करना ही है, और ये मुझसे भूले हुई है। याद रखेंगे जो ग्रेट सोल्स होती है ना, वो अपनी छोटी सी कमी को भी समझ जाती हैं कि मेरी ये बात अच्छी नहीं है। जो हमारी चीज अच्छी है वो परमात्म देन है, उसका ईगो कभी नहीं करना। जो हमारी कमजोरी है उसको देखकर कभी इंफीरियर फील नहीं करना। दोनों ही कॉम्प्लेक्स अच्छे नहीं होते, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी अच्छा नहीं और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी अच्छा नहीं। जो विशेषता है वो परमात्म देन है, और ये बड़ी सूक्ष्म चीज है कि हम इसे पहचान पाए कि कहीं हमारे अंदर अभिमान तो नहीं जग रहा। कई बार ना सूक्ष्म रीति से जो अभिमान है वो हमें खोखला करता रहता है, अंदर से वीक कर देता है और हमें पता नहीं चलता। कुछ भी अच्छा काम होगा तो हमें लगता है ये मैंने किया या मैं ही निमित्त बना। दूसरों को कहेंगे बाबा ने कराया, पर अंदर कैसेट दूसरी चल रही होती है कि आइडिया तो मेरा ही था, मेरे को ही बाबा ने टच कराया। ये समर्पण भाव बहुत जरूरी है। जब हम समर्पित कर देते हैं कि बाबा ने कराया, टचिंग्स भी बाबा की थी, अगर हम इस सूक्ष्म मैपन को पहचान लेंगे तो इसको स्वाह करना आसान होगा। आज के दिन हम अपनी सूक्ष्म मैपन को पहचानेंगे। ब्रह्मा बाबा कितनी बड़ी हस्ती थी, कितनी बड़ी, उनको अभिमान छू भी नहीं पाया। कितना ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को याद किया। हमेशा बाबा से कोई मिलने आता था तो बाबा कहते थे बच्चे किसकी याद में बैठे हो, किससे मिलने आए हो, फोटो भी खींच रहे हो तो भी शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा ने खुद को मिटा दिया शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, उनको मैपन छू नहीं पाया। और बाबा छोटे छोटे बच्चों को भी कहते थे कि बच्चे मैं भी शिव बाबा को भूल जाऊं ना अगर खेलते हुए, तो आप मुझे याद कराना। मैंने ना चक्रधारी दीदी से ये बात सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। दीदी कहते कि हम लोग ना छोटे छोटे थे तो ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए गए, तो बाबा बच्चों से खेल रहे थे, तो बाबा ने हमें भी काम दे दिया कि जब हम खेलेंगे ना हो सकता है मैं शिव बाबा को भूल जाऊं तो आप मुझे याद कराना। तो दीदी बताती कि मैं बीच बीच में बाबा को जाके पूछती थी, बाबा आपको शिव बाबा याद है? तो ब्रह्मा बाबा को कितना शिव बाबा से प्यार था, कितना उन्होंने बाबा को याद किया। ऐसी ही याद हमारे मन में होनी चाहिए, और वो याद तब टिकती है जब हम अपनी सूक्ष्म कमियों को बाबा को अर्पण कर देते हैं। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज के दिन में हम बाबा को अपना सच्चा सच्चा चार्ट देंगे, बाबा को बताएंगे और बाबा से शक्ति लेंगे। कभी कभी ना हम अपनी कमजोरियों की वकालत करते हैं, हमें लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, इस सामने वाले की ऑब्जर्वेशन गलत है। इसमें बहुत ऑनेस्टी चाहिए, अपने साथ बहुत ट्रुथफुलनेस चाहिए कि हम अपने को देख सकें कि मेरी कौन सी चीज ठीक है और कौन सी नहीं है। जो ठीक है उसके लिए बाबा को शुक्रिया करें, और जो ठीक नहीं है उसके लिए बिल्कुल सच्चाई से बाबा को बताएं। जैसे आप कभी दर्पण के सामने जाते हैं तो दर्पण बिल्कुल सच बोलता है, सच बोलता है ना, और एक की बात दूसरे को नहीं बोलता। दर्पण हमेशा, चाहे कोई बहुत सुंदर व्यक्ति आ जाए उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए जिसका इतना फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है, फिर भी वो सच बोलता है। तो जैसे दर्पण सच बोलता है, ऐसे हमें बाबा के सामने बैठकर अपने आप को बिल्कुल सच्चाई से देखना है कि मेरी कौन सी चीज है जिसको मुझे मिटाना है, जो ठीक नहीं है। बाबा को जब हम बताते हैं तो बाबा दृष्टि देकर, शक्ति देकर, वरदान की स्मृति दिलाकर समर्थ बना देता है। आप करके देखेंगे आज के दिन में अपनी भूलों के लिए बाबा से क्षमा याचना, और अपनी आगे के लिए कुछ अच्छा वरदान, और उस वरदान को बार बार मन में याद करेंगे
मुझे मेरे बाबा से ये वरदान मिला है। अपनी कमी के हिसाब से आप वरदान लो। जैसे कईयों के अंदर छोटी छोटी बात में इरिटेट होने का संस्कार होता है, छोटी सी बात होगी इरिटेट हो जाएंगे, तब हम बाबा से वरदान लेंगे मैं सरल चित आत्मा हूं, और अपने को पक्का कराएंगे कि मुझे बड़ी बात को छोटा कर देना और छोटी बात को समाप्त कर देना है। छोटी सी प्रैक्टिस है ये, अगर आप इसको बार बार याद करते हैं, मान लो सुबह तो याद किया और फिर आपने याद ही नहीं किया, इसको जितनी गहराई से आप स्वीकार करेंगे ना कि मुझे मेरे बाबा ने वरदान दिया है, मैं सरल चित आत्मा हूं, और पहले से वो विजन बनाए कि जो भी बड़ी बातें हैं छोटी बातें आपके सामने आ रही हैं, लेकिन अब आप बहुत प्यार से उन्हें हैंडल कर पा रहे हैं, आप इरिटेट नहीं हो रहे। अक्सर हम किसी के गलत बोलने पे इरिटेट हो जाते हैं, कोई हमारी बात ना माने तो इरिटेट हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें पहले से आप अपने मन में चित्र बना लें कि ये सब हो रहा है लेकिन मैं बिल्कुल स्टेबल हूं। तो ये बहुत काम आएगा वरदान कि मैं सरल चित आत्मा हूं, क्योंकि योग भी उन्हीं लोगों का अच्छा लगता है जो सरल रहते हैं। अगर इजी नेचर नहीं है ना, तो योग में हमें दूसरों की बातें याद आती रहती हैं, बाबा भूल जाता है। ऐसे किसी के अंदर अगर ये कमजोरी है, इरिटेट होने का संस्कार है, तो बाबा से इस तरह के इसी के अनुसार हम वरदान लेंगे और फील करेंगे कि मुझे बाबा ने इतनी शक्ति दी है कि अब मैं इन बातों को हैंडल कर सकती हूँ, मैं इन परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। कईयों के अंदर बार बार दिल शिकस्त बने वाला संस्कार इमर्ज होता है, डिसहार्टेड हो जाते हैं, अंदर से वीक थॉट्स आते रहते हैं, तो उनको बाबा से वरदान लेना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब जितना निश्चय से इसे स्वीकार करेंगे ना, उतना ये वरदान काम करेगा। बहुत चमत्कारिक है ये बाबा के वरदान, पर इसके पीछे काम करता है आपका निश्चय, आपकी श्रेष्ठ भावनाएं। अगर कईयों को ये लगता है कि बाबा तो कहता ही रहता है, बाबा तो रोज ही सुनाता है, आपने उस भाव से स्वीकार नहीं किया तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कर्तव्य भी होना चाहिए। अगर मैंने वरदान लिया कि मैं सरलचित हूं, तो मुझे दिन भर में छोटी छोटी बातों में याद दिलाना अपने आप को कि मैं तो बहुत इजी नेचर हूं, मेरे लिए इस बात को छोटा करना बहुत आसान है। कोई भी बात, छोटी सी चीज भी ना, हम सोच सोच के ही बड़ी करते हैं, इतनी बड़ी होती नहीं पर हम उसे सोच सोच के बड़ा कर देते हैं। जैसा आपने सोचा वैसा आपका कर्तव्य होना चाहिए, वरदान के साथ कर्तव्य भी वैसा चाहिए। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो मुझे आत्मा राजा की सीट पर बैठना है, मालिक बनकर अपने इस मन को आदेश देने हैं। हे मन, अब बाबा के स्वरूप पे एकाग्र हो जाओ। देखो आपने जो आदेश दिया, आपके मन ने उस बात को माना, बुद्धि ने वैसा विजुअलाइज किया या नहीं। जब आप बार बार चेक करेंगे तो अपने को चेंज भी कर पाएंगे। सुनने के साथ साथ वैसा बनना है। बहुत से लोग जैसे कई बार हम सुनते रहते लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बहुत अधिक चीजें सुन ली तो यहाँ पर भी बोझ होना शुरू हो जाता है। जो कुछ सुना उसकी प्रैक्टिस जरूर करो। आज मुझे मेरे बाबा ने ये वरदान दिया, सिंपल सिंपल प्रैक्टिस हुई, आपको पूरा दिन इतना खुश मिजाज बना देगी कि आपको लगेगा कि जो पाना था पा लिया, अंदर से आत्मा भरपूर हो जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। उसके लिए सवेरे से ही अपने आप को काम दो, आज मुझे ये कार्य करना है, और अपनी दिनचर्या में चेक करो कि मेरी कौन सी चीजें हैं जो दूसरों को दुख देती हैं, उन्हें अगर हम ठीक कर देंगे ना तो योग बहुत ही अच्छा लगेगा। जो लीकेज है वो बाबा के समीप नहीं जाने देती। ब्रह्मा बाबा ने अपनी प्रतिदिन दरबार लगाई, सुना ना हम सबने बाबा की जो डायरी लच्छू दादी पढ़ के सुनाती है, तो कैसे बाबा रोज दरबार लगाते थे, ऐसे हम सबको भी अपनी दरबार लगानी है और देखना है कि कौन कौन सी चीजें दूसरों को दुख पहुंचा रही हैं। अनुभव ये कहता है कि ज्यादातर हम अपने बोल से बहुतों को दुख दे बैठते हैं, तो उससे बहुतों की बद्दुआएं हमारे साथ चलती रहती हैं। गलत बोलने की बजाय ना चुप रहना ज्यादा अच्छा है, लेकिन इस वाणी से कभी हिंसा नहीं करनी है,
जब मैं ज्ञान मार्ग में आई तो मैं अक्सर ये वाली बात सुनती थी, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, तो मुझे लगता था यार ना बच्चों जैसी बातें बोलते रहते हैं। आज मुझे ये लगता है कि हम ना 2 वर्ष के होते हैं तो हम बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम 80-80 वर्ष तक भी ये नहीं सीख पाते कि हमें कैसे बोलना चाहिए। किसी को कुछ भी बोल देंगे, हम बोल के सो जाते हैं और वो बेचारा जागता रहता है। गलत बोलने की बजाय चुप रहना ज्यादा अच्छा है। जो भी बोल बोलो वो वरदानी बोल बोलो। अभी भी हम 31 जनवरी तक अपने बोल के चार्ट को चेक करेंगे कि क्या मेरे बोल ब्रह्मा बाप समान वरदानी बोल हैं। कोई याद करे तो उसको सुख महसूस हो, कोई हमसे हर्ज ना हो। अगर हमारा एक एक बोल अनमोल है, वरदानी है, तो दूसरे के दिल से दुआएं निकलती हैं। बहुत सिंपल चीज है आपके बोल। बोलो शब्द का संधि विच्छेद करते हैं ना, तो ये बनता है बो प्लस लो। मतलब जब आप बोल रहे हैं समझो कोई बीज बो रहा है, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल निकलेगा। करके देखना है कि बोल पर अटेंशन देने से योग कितना अच्छा लगता है, स्थिति कितनी अच्छी बनती है। इसने बहुत सुंदर बात कही है कि बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। मिटा सको तो अहम मिटाओ, रहम मिटाना मत सीखो। जब हम अपने ऊपर खुद ध्यान देंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। बड़ा सिंपल सा पुरुषार्थ है कि बोलने से पहले ये सोचना कि यही बोल कोई मुझे बोले तो मुझे कैसा लगेगा। पहले ये थॉट यहाँ आ जाना चाहिए कि यही बोल कोई मुझे बोले मुझे कैसा लगेगा। अगर हमारी दिनचर्या में कोई दुखदायी चीजें हैं तो दूसरों के दिल से ना आहें निकलती हैं, वाह वाह नहीं निकलती, आहें निकलती हैं। ब्लेसिंग्स लेनी है तो उसके लिए हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि हमारे प्रति किसी के दिल से बददुआ नहीं निकलनी चाहिए। हमारा हर बोल सुन के दूसरे के दिल से निकलना चाहिए वाह वाह, हाय हाय नहीं, हाय ऐसे भी कोई बोला जाता है क्या, ऐसा कहना क्या जरूरी था क्या, इससे अच्छा तो ना ही बात करते। पर आपके बोल से किसी को लगना चाहिए कि इस बोल को सुन के बड़ी राहत मिली। कोई दुख और कष्ट की घड़ी में हो और आप उनको ये बात बोल दो, भगवान आपके साथ है, हम सब भी आपके साथ हैं, हमारी जहां आवश्यकता पड़े आप हमें बताना, उसको राहत मिलती है ना, तो ये बड़ी काम आती है चीजें। हम दुआओं का धन एकत्रित करते चलें। ये दुआएं वो काम करती हैं कि आत्मा उड़ती कला का अनुभव करती है। अब तक जो हो गया, लेकिन अब ऐसा रिकॉर्ड बनाए कि बाबा का बनने के बाद मैंने कभी किसी को गलत नहीं बोला। अगर बोल दिया गया से सॉरी, सॉरी करने से साड़ी मैली नहीं हो जाती। दादी प्रकाश मुनि जी हमेशा ये बात बोलते थे, अगर दिया भी गया ना, संकल्पों में कहीं दुख दिया गया या बोल से दुख दिया गया, तो अब हम उसको रियलाइज करेंगे और उनसे क्षमा ले लेंगे। क्योंकि आज का दिन अपने पापों से हमें रिलैक्स होना है तो बाबा को बताना है। कोई ना कोई आत्मा ऐसी जरूर है जो आपके दिमाग में हमेशा घूमती रहती है, हरेक के पीछे एक ना एक तो होता ही है, और उसको याद करते ही आपका मूड खराब हो जाता है, स्थिति खराब हो जाती है। याद रखिएगा, कुछ आत्माएं आपके जीवन में वरदान बन के आई है, वो आपको स्पष्ट बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देती हैं, आपकी मदद करती हैं, और कुछ आत्माएं आपके जीवन में एग्जाम बन के आई हैं। आप कुछ भी अच्छा करते हैं उसको अच्छा नहीं कहते, आप उनके लिए कितना भी जी जान कुर्बान करते हैं पर उनको कुछ वैल्यू ही नहीं है। हर एक के साथ ऐसा कोई ना कोई होता ही है। तो हमें जो आत्माएं वरदान बन के आई हैं उनके लिए तो दुआएं देना बहुत आसान है, लेकिन जो आत्माएं एग्जाम बन के आई हैं उनके लिए भी दुआएं निकले तो उसके लिए बहुत दम चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। Am I right? अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा करता है, हमारे को मतलब कोशिश करता है लेग पुलिंग करने की, गिराने की, अपमानित करने की, ऐसी आत्माओं को भी आपने छोड़ नहीं देना।
याद करेंगे, कुछ समय पहले बाबा ने जुलाई में एक मुरली चलाई थी, अव्यक्त मुरली, कि 95% आत्माएं आपसे खुश और संतुष्ट होंगी, 5% ऐसी भी होंगी जो आपके अच्छे को भी अच्छा नहीं कहेंगी, आपका अकाउंट क्लियर करने वाली होंगी। तो इस 5% को भी आपने छोड़ना नहीं, एक गिफ्ट उनको भी देते रहना, और वो है लगातार शुभ भावनाएं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदा सबको शुभ दुआएं दी, कोई कैसा भी था उसको बाबा ने योग्य बनाया। कितना योग्य बनाया, हम सब बड़ों से सुनते कि कोई कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाते थे। दादा अर्जुन की बात हम सब ने सुनी, दादा अर्जुन बोल भी नहीं पाते थे, उनको 100 तक गिनती भी नहीं आती थी, केवल वो 23 तक बोलते थे और उसके बाद जंप करके 25 पे चले जाते थे। बाबा ने उनको भी योग्य बनाया, उनको भी बाबा ने पुलिस वाली वर्दी पहनाई, बाहर गेट पे बिठाया और सिखाया कि कोई आए तो आपने अपनी सीटी बजानी है, किस तरह से ये अपनी छड़ी पकड़नी है, कोई फोन आए तो कैसे अटेंड करना है, रिसीवर उठा के कहना कि मैं बुलाता हूं, तो कैसे बाबा ने उनको भी काबिल बनाया। ऐसी ऐसी आत्माएं जिनको दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं समझता, पर बाबा ने उनको अपने घर में काबिल बना दिया। तो हमें भी जो इस तरह से आत्माएं जो हमारी परीक्षा बनकर आती है ना, तो उनको छोड़ नहीं देना, उनको हमें एक चीज देनी है, शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं। देखना है कि जब आपने शुभ दुआएं दी तो उससे आपका मन कितना हल्का हुआ। जहां हम शिव बाबा का शुक्रिया करते हैं तो वहां हमें उन आत्माओं का भी शुक्रिया करना है जिन्होंने हमारे साथ मिसबिहेव किया, जिन्होंने हमारे लिए परीक्षा बनकर आए। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, पर आज का दिन एक बार करने से आप देखना कि जब आपने ऐसा किया तो आपकी मानसिक अवस्था कैसी रही। हमें ब्रह्मा बाबा की सीट पर, बाप समान सीट पर बैठना है। ये मेरे स्थान पर अगर ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या करते, क्या सोचते, क्या बोलते। अगर हम उस सीट पर सेट होंगे तो बहुत आसान होगा उन्हें क्षमा करना और उनको दुआएं देना। पहले तो क्षमा करना, यही बहुत बड़ी ताकत चाहिए। जिनका दिल शाह है वही कर सकते हैं क्षमा, जिनका दिल छोटा तो कहते हैं मैं तो बदला लेके ही छोड़ूंगा। बाबा ने हमें सिखाया कि बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना है, परिवर्तन करके दिखाना है। उन आत्माओं को स्पेशल इमर्ज करेंगे जो हमारी जिंदगी में एग्जाम बन के आई, उनको हम कहेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा योग अच्छा करवा दिया, बाबा से प्रीत बढ़ा दी, आपने इस ज्ञान मार्ग में हमें जीने की कला सिखा दी। ऐसा करने से आपका मन बुद्धि बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। जीवन में कुछ अच्छे प्रयोग हम जरूर करें, जो हम योग पुरुषार्थ ज्ञान मुरली सुनते हैं, इसका प्रयोग यही है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी आत्माएं हैं हमें उनको समझ के चलना है। कभी कभी हमें लगता है हम इन्हें सहन कर रहे हैं, जब ये सोचते हैं ना कि सहन कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल लगता है। सहन करने की बजाय एक सुंदर सा शब्द प्रयोग करेंगे कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ के चल रहे हैं। एक होता है किसी भी बात को समझना, एक होता है सहन करना। जब हमें ये लगता है ना हम सहन कर रहे हैं तो वहां ताकत कम हो जाती है, लेकिन हम समझ के चल रहे हैं तो उससे हमारी ताकत बढ़ जाती है। तो हम अपने जीवन में ऐसी ऐसी आत्माएं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई अवरोध पैदा करती हैं, कभी हमारे लिए बाधक बन जाती हैं, तो हमें बाबा वाली दृष्टि से देखना है, ब्रह्मा बाप जैसी दृष्टि। मुझे बाबा की विशेषता बहुत अच्छी लगती है कि बाबा ने कभी किसी को शत्रु नहीं माना। जो हम सबकी वीक पॉइंट है कि हम किसी ना किसी को मान ही लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति मुझे आगे बढ़ाने वाला है और ये पीछे धकेलने वाला है, पर ये समता की दृष्टि तो नहीं हुई ना। बाबा की दृष्टि बड़ी समता वाली थी। बाबा को हर रूह बहुत अच्छी लगती थी, बाबा हर एक की रूह को देखते थे, इसलिए उनको वो सोल अच्छी लगती थी। हम किसी का भी खराब रोल देखकर उसके प्रभाव में आ जाते हैं। अगर किसी का खराब रोल भी चल रहा है ना, तो एक अच्छी राइट थिंकिंग ये जरूर होनी चाहिए कि ये सोल तो बहुत अच्छी है, अभी इसका रोल ठीक नहीं चल रहा। बाबा इस आत्मा को शक्ति देना। किसी की भी कमी देखकर वर्णन करने का काम कोई भी कर सकता है, फैलाने का काम कोई भी कर सकता है, घृणा का भाव कोई भी रख सकता है, पर उसको बैठकर सकाश देना ये केवल महान आत्माएं करती हैं। हम सबका फर्ज है कि किसी की कोई कमी देखे तो उसको फैलाना नहीं, बल्कि बाबा की याद से उन्हें सकाश देना कि इस आत्मा की ये कमी ठीक हो जाए। बाबा के स्मृति दिवस पर
बाबा को फॉलो करना ही हमारा उद्देश्य हो। ब्रह्मा बाबा ने हर कर्म करके सिखाया, ब्रह्मा बाप समान हम सबकी स्थिति हो कि हमारी भावनाएं बोल सब बाबा जैसे। बाबा ने जिसको चलते फिरते भी कोई बोल बोला ना, वो सिद्ध हो गया। अगर वरदानी बोल होंगे तब भी सिद्ध होंगे ना, अगर मन में किचड़ा भरा होगा तो वो सिद्ध कैसे होंगे। आज के दिन में हम बाबा से सूक्ष्म एक वायदा करेंगे और अच्छे अच्छे प्रयोग करेंगे। सबसे पहला प्रयोग अपनी देह की प्रकृति पे करेंगे कि किसी का शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो भी हमें निराश नहीं होना। कई बीमारी का ही वर्णन करते रहते हैं तो योग में ये भी एक बाधा पड़ती रहती है, शरीर कैसे भी है इनको चलाना है। अगर कभी सर्दी का प्रभाव लगे तो बाबा का एक वरदान याद कर लेना, हिमते बच्चे मदते बाप। जब कभी आपको मन जीत बनना है ना तो अपने को ये बात याद दिलाओ कि मैं हिम्मत करूंगा तो बाबा की मदद मिलेगी। माया परीक्षा लेते हैं ना अपने, पता नहीं वहां पे सर्दी कैसे, यहाँ तो बहुत ज्यादा है। तो आजकल सभी एक मंत्र यूज करते हैं, जब सुबह उठने का टाइम होता है तो माया तो कहती है ना सो जाओ, तो हम अपने मन को एक बात कहते हैं आज आज क्लास में जाना है कल सोना है। ये मन जीत बनने की बड़ी अच्छी युक्ति है, बहुत काम आती है। एक बार ना एक व्यक्ति सर्दियों में भी एक्सरसाइज करने जाता था बहुत ठंड में, उसको किसी ने पूछा कि तुम्हारा सोने का मन नहीं करता, कहते जी करता है, कहते फिर, कहते जब सुबह उठ के मन करता है ना सोने का तो मैं अपने मन को एक बात बोलता हूँ बस आज आज एक्सरसाइज करने जाना है कल सोना है, और कल तो कभी आता ही नहीं है। तो यही प्रयोग हम कर सकते हैं ना, आज आज जाएंगे कल सो जाएंगे, आज करना है अभी करना है, तो इससे हम मन जीत बन जाएंगे। अपने मन को एक सही डायरेक्शन देना, आत्मा राजा की सीट पे सेट होना, योग में इस बात की बहुत मदद मिलती है। तो हम सब बाबा के बच्चे इस समय बाबा के सामने बैठकर वही काम करने का संकल्प करें जो बाबा को अच्छा लगता है। बाबा को गिफ्ट देनी है, बाबा को पसंद है कि मेरे बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाएं, सदा समर्थ बन जाएं, और उसके लिए अपने आप को सदा बिजी रखना। यहाँ पे हमने जुलाई मास में शुरू किया था कि हर घंटे में एक मिनट बाबा के पास पहुंचना, निराकार बाबा को देखना, बाबा को टच करना और बाबा के लिए प्यार भरा गीत गाना, मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा। को इतना अच्छा लगेगा कि हर घंटे में फिर जाने का मन करेगा। जल्दी हम किसी के घर जाते हैं वो एक बार आपको गिफ्ट दे देगा, दो बार दे देगा, फिर वो सोचेगा कि तो रोज ही आते हैं इनको क्या देना। पर बाबा हमें हर बार एक नई गिफ्ट देता है, जितनी बार हम वतन में जाते हैं कभी भी खाली नहीं भेजता। आज बार बार वतन में जाएंगे, बाबा को देखेंगे, मुस्कुराएंगे और दिल से कहेंगे मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा शुक्रिया बाबा। इससे कनेक्टिविटी हमारी बनी रहेगी, क्योंकि हर घंटे में एक बार आप देह से डिटैच होकर ऊपर गए, बाबा से शक्तियां ली, फिर लौट आए, फिर वो कर्म क्षेत्र पर नजर आनी चाहिए। इस तरह से हम मनजीत बन सकते हैं। मनजीत बनने के लिए अपने मन को बिजी करना बहुत बहुत जरूरी है। जो आत्मा बिजी कर देती है अपने मन को, फिर वो याद में जब बैठेंगी तो मन एका बहुत सहजता से बाबा पर टिक जाएगा। मैं समझती हूँ कि अभी हम 30 मिनट करें पावरफुल योग, और इन बातों का एक्सपेरिमेंट हम कर्म क्षेत्र पे जरूर करेंगे। अभी बाबा के सामने बैठकर हम बाबा को अपना सच्चा चार्ट देंगे, अपनी भूलों के लिए क्षमा ले लेंगे बाबा से, और ये छोटा सा प्रयोग हम जरूर करेंगे कि कोई कैसा भी है हमारे दिल में उसके लिए शुभ भावनाएं और प्यार हो, सम्मान हो। जो आत्माएं हमारे लिए बाधक भी बनती हैं उनको छोड़ नहीं देना, उनको भी बाबा की याद से शांति का, शक्ति का, प्रेम की किरणों का सहयोग देना है। जो कुछ हम सुनते हैं उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यहाँ पे आज स्मृति दिवस पर बहुत अच्छा सूक्ष्म वतन बना हुआ है और चार अलग अलग छोटी छोटी हट बनाई हुई है। जैसे इस हॉल के अंदर जहां बैठे हैं ना ऐसा ही हॉल है, तो उस हट के अंदर ना दो ही लोग बैठ सकते हैं, बस इतना सा स्पेस है। बाबा का चित्र लगा हुआ है, एक पर लिखा हुआ है प्राप्ति कक्ष, कि अपनी प्राप्तियों को याद कर लीजिए, आज मुझे बाबा से क्या क्या मिला और उसके लिए बाबा को धन्यवाद। एक पर लिखा हुआ है प्रयोगशाला, कुछ नया प्रयोग कीजिए जनवरी मास में, जैसे अपनी देह को सकाश देने का प्रयोग, अस्वस्थ होते भी आप स्वस्थ का अनुभव करेंगे।
संबंधों के ऊपर प्रयोग, जिनके साथ कटु संबंध है उनको गुड वाइब्रेशन देने का प्रयोग। ऐसे एक बहुत सुंदर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है विदेही कक्ष, बिल्कुल विदेही बन जाए, वहां केवल ज्योतिबिंदु बाबा का चित्र लगा हुआ है। एक पर है बाप दादा मिलन, जैसे मधुबन में हम बाबा के रूम में जाते हैं बिल्कुल सेम वैसी फीलिंग। तो आज हम बुद्धि से चार धाम की भी यात्रा करते रहेंगे, हर घंटे में एक मिनट वतन में भी जाएंगे और अपनी भूलों की क्षमा भी लेकर आज के दिन को यादगार बनाएंगे। अभी हम सब अलर्ट होकर बैठेंगे पावरफुल योग के लिए। तन और मन से अलर्ट होकर बैठे, जो कुछ सुनेंगे वैसा अनुभव करेंगे, वैसा विजन बनाएंगे। सबके बीच में होते हुए, बिल्कुल अकेले हो जाएं। अपने आप को किसी एकांत स्थान पर लेके जाएं। वो एक बहुत सुंदर पहाड़ी भी हो सकती है, वहां से संसार का पूरा दृश्य देखें। कोई गाड़ी में जा रहे हैं, कोई अपने ही साधनों से जा रहे हैं, कोई पैदल चल रहे हैं, धीरे धीरे यहां से भी और ऊंची पहाड़ी पर चलें, बादलों के बीच में, ब्रह्मा बाप को देखें, बुझाई खोल कर बाबा बुला रहे हैं, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। बाबा से नैन मुलाकात करें, बहुत छोटे बच्चे के रूप में मैं फरिश्ता बनकर बाबा से मिल रहा हूं। बहुत सुंदर चमकीली ड्रेस मैंने पहनी है, बाबा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आओ मेरे सरल चित बच्चे, आओ। प्रसन्न चित बच्चे मेरे पास आओ। दोनों हाथ बाबा के हाथ में देकर ब्रह्मा बाप का शुक्रिया करें, शुक्रिया बाबा, आपने हमें बड़े बाबा से मिलाया, शिव बाबा से मिलाया, बाबा का भी शुक्रिया, ब्रह्मा बाबा का भी शुक्रिया। बाबा का हाथ पकड़कर इन बादलों के बीच में विचरण करें, बस मैं और मेरा बाबा,
हाथ पकड़कर बाबा को कह दीजिए, बाबा आज मुझे अपना सच्चा चार्ट आपको देना है। एक कोने में जाकर बाबा के साथ बैठे। बाबा के हाथ के स्पर्श को फील करें। लाइट के शरीर में बाबा, मैं आत्मा भी लाइट के शरीर में। बाबा बहुत खुश होते हैं जब बच्चे सच सुनाते हैं। सच तो बिट्ठो नच। अपनी पूरी जीवन यात्रा बाबा के सामने रखी। ज्ञान से पहले, ज्ञान में चलने के बाद कोई भी भूल जो मन को बार बार खाती है बाबा को बता दे। आज भी जिस बात को याद करके मन भारी रहता है बाबा को सच बताएं। बाबा ने सिर पे हाथ रखा है। दृष्टि देते देते बाबा मुझे उस पास्ट के प्रभाव से मुक्त कर रहे हैं। जी बाबा, मैं अपनी इस कमी को परिवर्तन करने के लिए तैयार। मन वचन कर्म से जो भी मुझसे भूल हुई उसके लिए मैं आत्मा क्षमा चाहती हूं। क्षमा, क्षमा और क्षमा। जैसे आप प्रेयर में हाथ जोड़ते थे ऐसे सच्चे दिल से अपने हाथ जोड़ लें। बाबा को सच सच बताते महसूस करें। बाबा ने अपना स्नेह भरा हाथ मुझ आत्मा पे रखा। मैं आत्मा बोझ से मुक्त हो गई। स्मरण रहे, स्वीकार भाव सच्चे दिल से हो। क्षमा, क्षमा, क्षमा। चाहे हमें किसी ने परेशान किया उन्हें भी क्षमा कर देंगे। उन्हें भी बाबा के सामने इमर्ज करें। ये भी दिव्य आत्मा है। आज से ये दिव्य आत्मा भी बाबा की छत्र छाया में रहे। जो हमसे भूल हुई, हमारी वजह से किसी को भी कष्ट पहुंचा, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्माओं से क्षमा चाहती हूं। क्षमा, क्षमा। याद रखेंगे, शक्तिशाली आत्माएं माफ करती हैं,
कमजोर लोग बदला लेते हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं अपने पिता के पास हूं, सम्मुख हूं। सच्चे दिल से ली गई क्षमा बोझ से मुक्त कर देती है। बाबा के वरद हस्त को, दुआओं भरे हाथ को अपने सिर पे अनुभव करें। अपना सीधा हाथ आगे करें, बाबा की किरणों को इस हाथ पे आता अनुभव करें। ये हाथ भी लाइट का बन गया है, बाबा की शक्तियों से भर गया है। इसको अपने सिर पर रखेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, हजार भुजाओं वाले बाबा मेरे साथ हैं। मीठे बाबा, ये जीवन आपका है, परिवार आपका है, जिम्मेवारियां आपकी हैं, परेशानी आपकी है। मैं जो हूं, जैसी हूं, मैं आपकी हूं, आप मेरे हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हाथ नीचे रखेंगे, अनुभव करेंगे, मैं बाबा की छत्र छाया में आ गई, बाबा की गोद में आ गई। बाबा ने मीठी दृष्टि से, वरदानों से मुझे बोझ से मुक्त कर दिया, हल्का कर दिया। बाबा से मन ही मन वायदा करेंगे, आपके स्मृति दिवस पर मैं आत्मा शुभ संकल्प करती हूं, मैं मन वचन कर्म से सबको सुख दूंगी, किसी को भी दुख नहीं देना। जाने अनजाने जिन्हें दुख पहुंचा हो उन्हें दुआएं देकर मुझे अपनी गलती की क्षमा लेनी है, सबको सुख पहुंचाना है। बाबा की दृष्टि में वो ताकत है, वरदानी बोल में वो ताकत है कि आत्मा हल्की हो जाती है। सच्चा चार्ट बाबा को देते हुए अब बिंदु बनकर सूक्ष्म लोक से भी पार परम धाम घर में चले और निराकार बाबा को देखें, ज्योति बिंदु बाबा, बहुत सुंदर चमकीला बाबा, जिसकी किरणें पूरे घर में, घर को प्रकाशित कर रही हैं। मैं निज धाम में हूं, परम धाम घर में बहुत सारी मणियां चमक रही हैं। मैं इस आत्माओं के पवित्र देश में अपने घर में पूर्ण आनंद में
उस महाज्योति को देखें सर्वशक्तिमान बाबा की अनंत किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। इस घर में कितनी शांति है, हर धड़कन से हर श्वास से एक ही आवाज आए, मेरा बाबा। पांच सेकंड तक बाबा को निहारते रहे, उनकी शक्तियों को अपने में भरते रहे। बाबा का स्वरूप सामने रहे, अंतःकरण की आवाज हो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। दिल का सहारा बाबा, शुक्रिया बाबा। तीन मिनट तक इस स्नेह भरे गीत में मगन हो जाए, मेरा बाबा। Thank you.
बाबा से शक्तियां प्राप्त कर महसूस करें मैं आत्मा बिल्कुल हल्की, डबल लाइट। बाबा का दिल से शुक्रिया करें, बाबा ने हमें अपना बनाया, ज्ञान दिया, जीवन जीने की कला सिखाई, परिस्थितियों में मुस्कुराना सिखाया। दिल की गहराइयों से बाबा को थैंक्स देंगे। ओम शांति। आज के दिन आप अच्छी तपस्या करें, चलते फिरते भी सबके मस्तक में आत्मा देखने का, अपने आत्मिक स्वरूप में टिकने का खूब अभ्यास करें। मुझे बहुत अच्छी लगती है गुलजार दादी ने मधुबन में एक बार ये बात कही कि हम लोग इतने सारे थे तो कभी लगता नहीं था कि हम इतने सारे हैं, और कभी किसी के स्वभाव संस्कार के भी इफेक्ट से परे रहते थे, क्योंकि उसके पीछे कारण था कि हम चलते फिरते ना सबके मस्तक में आत्मा को देखते थे। और इस अभ्यास की हम सबको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है कि जब हम किसी को देखें तो आत्मा को देखें और उसके अनादि स्वरूप से देखें, तो उससे हमारी नो इफेक्ट स्टेज बनेगी, हमारे पर दूसरे की कमी कमजोरियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्म तो करना ही है, हम सब कर्म योगी हैं, लेकिन बीच बीच में अपने आत्मिक स्वरूप में टिक कर दूसरों को भी आत्मा देखने का अभ्यास करें। और जानकी दादी जी ने एक बहुत अच्छी पुरुषार्थ की बात कही। दादी जी जब पहले अलग अलग मिल लेते थे, अभी तो मतलब काफी समय से नहीं मिल पाते थे, मैं तब की बात बता रही हूँ, जब बठियां होती थी सब टीचर्स बहनों को दादी मिलती थी,
तो दादी से मैंने एक बार पूछा था कि दादी आपके हिसाब से तीव्र पुरुषार्थ क्या है, तो दादी ने बहुत सुंदर बात कही जो मुझे तब से याद रहती है। दादी ने कहा कि कोई भी बातें हो जाती है ना, उनको जल्दी छोड़ देना, ये तीव्र पुरुषार्थ है। मतलब बिंदी लगा देना, जैसे किसी की बिंदी लगती है 1 साल में, किसी की लगती है 6 मास में, किसी की लगती है 3 मास में, किसी की 1 मास में, कुछ एक ऐसे होते हैं जो फ्यू वीक्स में बात को भूल जाते हैं, कोई सप्ताह में भूलने वाले भी होते हैं, कोई वन डे में भी भूलने वाले होते हैं। पर मैंने अपनी आंखों से इस विद्यालय में ऐसी आत्माओं को देखा है कि विद इन मिनट्स वो बातों को छोड़ देती हैं, बात हो गई चली गई, रात गई बात गई, बहुत जल्दी बातों को छोड़ देना ही तीव्र पुरुषार्थ है। यहाँ पर जो व्यर्थ है ना उसको स्टोर करके नहीं रखना, बिल्कुल हल्का रहना। अगर हल्का नहीं हो पा रहे तो उसके लिए हम बाबा को पत्र लिखने की शुरुआत करें कि हम पत्र लिख के अपने मन को हल्का कर दें। लिखते होंगे वैसे, जो नहीं लिखते वो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि जब हम बाबा को लिख देते हैं तो मन कितना हल्का हो जाता है। तो तीव्र पुरुषार्थ हम जरूर करेंगे कि बातों को जल्दी से छोड़ देना। और ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर बाबा को ये गिफ्ट देंगे हम, जो बाबा को अच्छा लगता है, बाबा के समान हमारे संकल्प, बोल और कर्म हो। हमारे बोल भी बाप समान होंगे, संकल्पों में भी बाबा जैसी भावना, कल्याण की भावना। जैसे किसी के लिए अवगुण दिमाग में आ गया, बुद्धि में चला, हो सकता है आ जाए, आ ही जाता है, उसी आत्मा की दो अच्छी बातें सोचो। मान लो किसी के लिए व्यर्थ चल पड़ा, आप अपने आप से बात करो कि इस आत्मा की गुड क्वालिटी कौन सी है। दो अच्छी बातें सोचेंगे ना तो तुरंत आपका मन बुद्धि व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा, उस पर चिंतन से भी मुक्त हो जाएगा। बाबा को हम ये गिफ्ट जरूर देंगे कि हमारी भावनाएं भी बाप समान हो, बोल भी बाप समान हो। 31st तक अपना चार्ट हम जरूर लिखेंगे भी सही, और प्रतिदिन बाबा को देंगे कि आज के दिन में मेरे बोल कैसे रहे। जो किसी को भी दुख पहुंचा तो उसके लिए हमें क्षमा ले लेनी है। ये छोटे छोटे पुरुषार्थ है, आप करेंगे तो आप बहुत हल्के भी रहेंगे और अनुभव होगा कि जैसे बाबा हमसे बहुत 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 प्यार करता है। आज प्यार के सागर का, प्यार का रिटर्न देने का वक्त है कि हम अपने आप को टर्न कर लें, हम अपनी वो चीजें ठीक कर लें जो बाबा को अच्छी नहीं लगती। हर किसी को अपना पता है कि मेरे पास क्या है ऐसी चीज जो बाबा को अच्छी नहीं लगती। वो हमारा आलस्य हो सकता है, व्यर्थ सोचने का संस्कार हो सकता है, कमजोरियां देखने का संस्कार हो सकता है, छोटे छोटे बात में इरिटेट होने का संस्कार हो सकता है, ईर्ष्या का हो सकता है, जो भी है हर किसी को अपना पता है। अपना तो ठीक करना है, पर दूसरा किसी का दिखाई दे तो उसके लिए बाबा को याद करना है कि इस आत्मा की ये कमी ठीक हो जाए। किसी की भी कमी को हमें फैलाना नहीं, बहुत ही अच्छा लगेगा जब हम किसी की कमी फैलाएंगे नहीं बल्कि योग करके योगदान देंगे कि इस आत्मा की ये कमी ठीक हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं। आप सबसे मिलने का मौका मिला, इसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। वैशाली बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज वैशाली बहन से हम मिले बहुत लंबे समय के बाद। बहुत ही वो पुरानी यादें मन में ताजा हो जाती हैं, क्योंकि मेरे को लगता है वो यात्रा हमारी 2008 में थी, 13 वर्ष पहले, तो उस समय हमारी मुलाकात हुई थी। सारा ही ग्रुप बहुत अच्छा था और आज बाबा ने आप सबसे मिलाया। तो आप सभी तीव्र पुरुषार्थी ब्राह्मण आत्माओं को तीव्र पुरुषार्थ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए पूरा ही वर्ष बाबा की यादों में खोए रहने वाला और बाबा को फॉलो करने वाला, आपसे बाबा का सबको साक्षात्कार हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद। ओम शांति।